गफलत की बात कर रहे हैं खारा साहब, और खारा साहब के मुताबिक बाहर जो दूसरे मुमालिक हैं, जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, वहाँ पर भी बारिश होती है और पानी खड़ा रहता है। इसी तरह वहाँ पानी नहीं खड़ा रहता। देखें एक बात आप याद रखें, जिनमें खड़े रहने की बात है तो मैं बता देता हूँ। बात यह है कि इस लाहौर में जितने रेन ड्रेन थे, रेन ड्रेन जो बारिश के पानी की निकासी के लिए बनाए गए थे, जनाब मुबारक हो इस गवर्नमेंट को जो 33 साल से लाहौर में चल रही है, 35 साल से, तमाम के तमाम इन्होंने अब गंदे नाले बना दिए। दुनिया के किसी मुल्क में जो कि मेगा सिटी होते हैं, कोई रेन ड्रेन जो है होता है लेकिन गंदा नाला नहीं होता। सीवरेज और नाले में बहुत फर्क है। इन्होंने सीवरेज पैसा नहीं लगाया जमीन के नीचे। क्यों? सीवरेज डालेंगे तो किसी को नजर नहीं आएगा कितने अरब रुपए वहां चले गए। इन्होंने सारे के सारे जो नाले थे उनको गंदा नाला बना दिया। अब गंदे नाले जब पानी ले पहले ही फुल है तो जो रेन ड्रेन था उसका तो जगह ही खत्म हो गई। बारिश का पानी कहाँ जाएगा? घरों में जाएगा, गलियों में जाएगा, सड़कों पर जाएगा। इन्होंने अपने मुल्क में कुछ नहीं किया इस तरह का, गलती ये है। और जहाँ तक वो GPO वाला मसला है, जनाब मियाँ शहबाज शरीफ साहब को बहुत जल्दी थी इसको मुकम्मल करने की, ऑरेंज ट्रेन को, इसलिए अंधाधुंध काम किया गया। ये वहां हुआ ये है कि इनकी ख्वाहिश के लिए जल्द अज जल्द सड़क मुकम्मल करने के लिए कंपेक्शन नहीं हुआ, मिट्टी को प्रेस नहीं किया, मिट्टी को प्रॉपर दबाया नहीं गया। मिट्टी आती है फिर ऊपर रेत आती है फिर ऊपर ये तह बनती है, वो तह दबती रहती है फिर ऊपर सड़क बनती है। प्रॉपर काम नहीं किया गया। ये तो उन्होंने कहा जी बस हमें सड़क खोल दो, हमें हमारे सामने सड़क खोल दो 30 जून से पहले पहले। ये उसका नतीजा हमने भुगता है। नीचे वो अरबों रुपए लगे हुए हैं, अगर उसमें कोई तबाही होती है, मान लीजिए रेलवे लाइन भी है, मान लीजिए नवाज रजा साहब, सारी तबाही कौन जिम्मेदार है?